नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्काई हाई ट्रेडिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कल हमको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और दोस्तों क्या मोमेंटम रहेगा कल के दिन के लिए। तो वही हम इस वीडियो में क्लियर बात करेंगे और कुछ कुछ स्पेशल बात भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप हमें प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम एक फ्री कॉल ट्रेड आपको आपके लिए देते हैं रोज़, जिससे आप पैसा कमा के रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखेंगे दोस्तों, आज मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था और उसको होना भी था, बिकॉज ऑफ कल जो एक हॉलीडे पड़ गया था ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं परसों के गैप डाउन के वजह से उसको आज वॉलेटाइल होना ही था। दोस्तों हम देखेंगे आज भी एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया नीचे के साइड। और दोस्तों जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने एक ज़बरदस्त रैली फर्स्ट हाफ में हमको दिखा दिया। आप देखेंगे ये रैली आई थी 38,800 से लेके, दोस्तों बहुत गजब की रैली थी ये, और हमें कहीं ना कहीं ये रैली देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड हाफ में क्या हुआ, मार्केट हमें वापस एक फॉल लेते हुए दिखी। बीच बीच में दोस्तों लेवल पे हमें स्ट्रगल भी दिखा, बट ओवरऑल उसने वापस 39,000 का लो बनाया था और वहाँ से स्लाइटली सा फिर एक छोटा सा बाउंस बैक दिखा 39,400 तक का। तो दोस्तों देखिए ये हुआ क्यों, पहले तो मार्केट में आप जान लीजिए ऊपर अभी बहुत स्ट्रगल होना है मार्केट को, ऊपर के लेवल्स ब्रेक होने में थोड़ा और दम लगाना होगा बायर्स को, रिटेल बायर्स जो है थोड़ा एक्स्ट्रा दम लगाना होगा तब जाके ऊपर के लेवल्स ब्रेक होने वाले हैं, इतनी इजीली वो ब्रेक नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आज मैंने दो वो बनाया था, दो पैटर्न हमको देखने को मिले थे, जो कि हमने अपने मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया था कि ये पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम बेयरिश ट्रेड लेंगे, और हमने दिखाया भी था ये चीज़। मैं आपको दिखा, देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था। फर्स्ट जब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया और 39 यानी कि ट्यूसडे के हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया, तो दोस्तों हमने यहाँ क्लियर इंडिकेट कर दिया था कि आप कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेंगे, रुकेंगे ज़रा, एकदम से हम हड़बड़ा के कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने एक एंगल्फिंग कैंडल के साथ रिजेक्शन दिखाया, तो दोस्तों हमने यहाँ क्लियर कहा था कि अब थोड़ा सा रुकिए, मार्केट को होल्ड करने दीजिए। मार्केट ने इतना होल्ड किया, हमने ये पैटर्न बनाया, पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, हमें टारगेट मिला। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर मार्केट ने हॉल्ट किया, क्योंकि 39,400 एक लेवल था मार्केट के अंदर, वहाँ मार्केट हमें स्ट्रगल करते हुए दिखी। फिर मार्केट में जब उसको ब्रेकआउट लेवल प्लस पैटर्न जब ब्रेकआउट आया, तो हमने बोला कि अब वेट करेंगे 39,300 के ब्रेक होने का। जैसे ही मार्केट में 39,300 ब्रेक हुआ, आप देखेंगे हमने अपना ट्रेड एक्टिव किया और उसका टारगेट हमें 39,000 तक का मिला। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही सही दिन था, मार्केट को आपको सिर्फ लेवल के हिसाब से जज करना और आपके वो अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। हाँ तो दोस्तों आप देखते हैं हमको कल कैसे ट्रेड करना है, क्या हमारे लिए कल इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे। दोस्तों पहले तो आप एक माइंडसेट बना लीजिए कि मार्केट में आप किसी लेवल पे ही ट्रेड करेंगे, कोई सेटअप पे ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप कैंडल देख के ट्रेड अगर करते हैं तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज आपके साथ दिन भर धोखा हुआ होगा और आपने बड़ा लॉस बना लिया होगा आज। और मैं ये भी जानता हूँ दोस्तों, कई लोग ऐसे होंगे जहाँ आज वो प्रॉफिट में होंगे मॉर्निंग में, बट डे एंड तक वो लॉस में उस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों मार्केट है, लालच है, ह्यूमन नेचर है लालच का। तो जो भी है, आप बेहतर समझ सकते हैं आपने क्या गलती की होगी, तो उस गलती से आप सीखे ज़रूर, और मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में वो बात कहता रहता हूँ।
फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक ही दफ़ा ट्रेडिंग करें, या तो आप फर्स्ट हाफ में से ट्रेड करें या फिर सेकेंड हाफ में ट्रेड करें। आप जिस दिन दोनों साइड ट्रेड करेंगे उस दिन आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कल के लिए क्या बात है, आपको एक लेवल बनाना है 39,300, 39,400, ये जो मैंने ये और ये लेवल बना रखा है, इस दोनों लेवल के बीच में कोई भी ट्रेड आपको नहीं एक्टिव करना है अपना। इन दोनों के बीच में आप छोड़ दीजिए मार्केट को, जहाँ अगर रोज 100 पॉइंट्स के अंदर आई तो मार्केट से आप निकल जाइए, बंद कर दीजिए, जब तक वो या तो नीचे या तो ऊपर दोनों साइड निकले ना। तो दोस्तों देखिए, बहुत पहले तो एक बहुत सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ आपको ट्रेड कैसे करना है। कल ओपनिंग कहीं भी हो, अगर गैप यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ओपन होती है तो मार्केट को एक दफ़ा नीचे आने देना है 39,400 पे। जैसे ही मार्केट 39,400 पे आए, हमको यहाँ पे एक सी बाय करना है, उसका टारगेट हमको रखना है 39,650 का, 39,650 का, जो कि सॉरी सर 39,650 ये लेवल है, ये आज का हाई, आज का डे हाई हमें टारगेट रखना है। उसके फर्दर ब्रेक होने पे 39,800 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो गैप अप हुआ तो आप यहाँ पे नीचे आने का, रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, जैसे ही रीटेस्ट होगा मार्केट में वापस एंट्री बनाएंगे 250 पॉइंट्स का, वो ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो सेम सिनेरियो, अगर दोस्तों इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर वेट करेंगे यहाँ तक का ब्रेक होने का। इस लेवल पे ब्रेक होता है तो पुट में एंट्री बनेंगे, पुट में एंट्री बनेगा, अदरवाइज पुट में एंट्री उससे पहले नहीं बनेगा। अब अगर मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन होके मार्केट वापस ऊपर की तरफ रीटेस्ट करती है, तो फिर वहाँ पे हमें जैसे हमने कॉल लिया था वैसे ही हमें पुट भी लेना है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट, एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन होती है तो हमें यहाँ पे रीटेस्ट होने का वेट करना है 39,300 पे। जैसे ही रीटेस्ट हो यहाँ एक पुट बाय करेंगे, टारगेट हम रखेंगे इस स्विंग के लो का, यानी कि 39,000, 39,000 तक का हमें उस ट्रेड को रखना है, उसके आगे फिर हमें एग्जिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक सिंपल ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा। अब लेवल कैसे ट्रेड करना है, लेवल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप जान लीजिए, अब एक रेजिस्टेंस मार्केट में जो क्रिएट हुआ है वो हुआ है आज का डे हाई दोस्तों 39,650। अब ये एक नया रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला है, क्यों उसका मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। जब आज मार्केट इस हाई पे पहुंची तो दोस्तों यहाँ एक छोटे से डब्ल्यू पैटर्न के साथ मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया था और उस लेवल को ब्रेक करने का सोचा था, बट क्या वो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, वो ब्रेक नहीं हुआ और वो वहाँ से एक डाउनफॉल आ गया। वो डाउनफॉल यहाँ से एक रिजेक्शन के साथ यहाँ तक आ गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब आप ये जान लीजिए कि ये वाला जो है पॉइंट, ये जो आज का हाई पॉइंट है 39,650 का, वो एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करने वाला है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप यहाँ पे बाई भी करेंगे तो 39,650 के पास आके आप इसको सेल कर दें, अपना ट्रेड एग्जिट करके उसको प्रॉफिट को बुक ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके बाद अगर वहाँ से आप रिजेक्शन फेस करते हो तो आपका ट्रेड लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ लेवल सेम रहेंगे जो हमने आपको प्रीवियसली दिए हुए हैं, 38,800 और 38,900, ये दो लेवल दोस्तों नीचे की तरफ सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट, हम बुलिश व्यू अपना रखने वाले हैं कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ यही करना है कल के दिन, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं करना है मार्केट के अंदर, और उससे ज़्यादा आप कोशिश भी ना करें, क्योंकि आप जहाँ ज़्यादा कोशिश करने लगेंगे, ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने लगेंगे, आपको पता है आप लॉस में ही निकलोगे उसके बाद। तो लेवल के साथ ट्रेड करने पे आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे।